राजू। अरे देखो मियाँ की खबर तो हर जगह है, लोग तो दूसरे शहरों से उसे देखने भी आ रहे हैं। डैड, कल हिप्पो मियाँ पहली बार तैरेगी, हम चलें देखने? हाँ बिल्कुल राजू, ये देखो मैं तो हमारे लिए टिकट्स भी ले आया हूँ, देखो। ये, थैंक यू। एक बढ़िया प्लान है, सब अपने बैग्स पैक कर लो, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। अचानक ये प्लान कैसे? डॉक्टर चतुर्वेदी आर्यनगर आए हैं, वो भी अपने परिवार के साथ। उन्होंने कहा क्यों ना फार्म हाउस पर सब मिलते हैं। तो मैं मान गया, मजा आएगा, चलो चलते हैं। राजू भी किम्मी से मिलेगा। अब देर किस बात की, हम एक घंटे में निकलते हैं। अब तुम नाच क्यों रहे हो राजू? से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। किन्नी, मैं तैयार।
राजू बेटा, इस बार कोई शरारत नहीं, ओके? नहीं डैड, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। हेलो। कितना बड़ा हो गया है, कैसे हो राजू? आंटी, किमी कहाँ है? किमी, वाओ, कितनी प्यारी है, ये कभी कोई शरारत नहीं कर सकती। इसके बोले चेहरे पर मत जाओ चिकी। हाय राजू। हाय गाइस। हाय। मोबी, शायद ये बदल गई होगी, प्लान को रोक देते हैं। अरे राजू, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, खासकर तुम्हारे सर के ये दो बाल। Come on, राजू बेटा, मजाक था बस। प्लान जारी है दोस्तों। किमी बेटा, किचन से पुडिंग लेके आओ प्लीज। ओके मामा। आंटी, मैं हाथ धोकर आता हूँ, दो मिनट। ठीक है, जल्दी आओ, किमी पुडिंग लेके आ ही रही है। राजू बेटा, तुम पुडिंग ले आए, थैंक यू बेटा। राजू! हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, काम हो जाएगा और जैसे ही वो पूरा होगा। राजू, चलने का टाइम हो गया बेटा। इस बार तो मैं ही जीत गई। अगली बार फिर से कोशिश कर लेना। ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, देखते हैं। किमी तो हमेशा चैंपियन रहेगी राजू। बाय बाय।